है भाई पीछे क्या भाई अरे क्या है भाई मतलब पिज्जले उठे आपकी जिम्मेदारी है भगवत की आपकी वक्त की प्रॉपर्टी किधर है रेवेन्यू की किधर है वो आप देख लेना आप मस्जिद को रास्ता पूछ रहे खत्म बस अभी आप पूरा खत्म करके हटना है आप ठीक है हमारे वाले भी साथ में रहते पूरा फेर के खत्म करा के चाहिए बड़े सर्कल साहब नीचे बड़े साहब नीचे बड़े वीडियो है वीडियो से फोटो से सर्कल साहब नीचे कल ईशा भी पड़े सो वीडियो है अच्छा ठीक है काम पड़े सो वीडियो है मालूम नहीं है सर्कल साहब कुछ है बोल के अपन भी गवर्नमेंट के सब फिर के कोई अलग नहीं है कोई नेगेटिव जाने का नहीं है तो उसको एक तरीके से जो है एक ऐसे उनको रास्ता मार्किंग दीजिए बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से हम भी आके यहाँ पर इंस्पेक्शन करें ऑलरेडी पहले भी कर चुके थे और हमारे कौसर मोहिद्दीन साहब भी जो है एमएलए साहब भी जो है उन्होंने भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर और दूसरी चीज़ ये है कि ये वफ़ प्रॉपर्टी है ऑलवेज वफ़ रहती क़यामत तक भी वफ़ प्रॉपर्टी रहती इसको डिनाई नहीं कर सकते मस्जिद है मस्जिद ता क़यामत मस्जिद रहेंगी इंशाल्लाह इसको कोई रोक नहीं सकते इसको क्योंकि वफ़ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत रहती इसमें कोई भी गवर्नमेंट आओ कोई भी कुछ भी रहो मतलब वफ़ प्रॉपर्टी रहती क्योंकि इसके लिए जो ना कोई रोक नहीं सकते इसको क्योंकि आज थोड़ा सर्वे होने के बाद एमआरओ और वक्फ बोर्ड की तरफ से सर्वे होगा क्योंकि एक ज़माने से 100 साल से बंद थी मस्जिद तो उसका सर्वे होने के बाद मार्किंग होने के बाद यहाँ पर नमाज का अच्छे तरीके से इंतजाम शुरू होगा आप लोग भी जज्बात में बताइए इंशाल्लाह ताला इसको अच्छी प्लानिंग से जो है ना अच्छे तरीके से बनाएंगे बड़ी मस्जिद बनाएंगे इसको यहाँ की गोलकुंडा एरिया की सबसे बड़ी मस्जिद इंशाल्लाह ताला रहेंगी और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप लोग जज्बात में आके टेंशन में आके काम खराब मत करिए क्योंकि रास्ता वस्ता सब मार्क करके देंगे उन्होंने एमआरओ भी है यहाँ पर रेवेन्यू के ऑफिसर्स भी है हमारे वक्फ बोर्ड के सर्वेयर्स भी है वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स सब पूरा वक्फ बोर्ड का हमला और रेवेन्यू का हमला सब मिलके जो है ना अच्छे से अच्छा जो है ना इसको एरिया के मार्किंग करके जो है ना हम लोग यहाँ पर नमाज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इसको नमाज को कोई रोकेंगे भी नहीं ये थोड़ा आप सबर करिए इसको मार्किंग होने के बाद कल पर तुमसे इंशाल्लाह जल्द से जल्द नमाज चालू कर उसकी हदबंदी कब होगी साहब एक मिनट कोई रुका ना सकते इसको इसलिए कि पहले ये टेंशन में नमाज पढ़ना भी ठीक नहीं रहता क्योंकि नमाज पीसफुल होना है अल्लाह के तरफ दिमाग लगा के पढ़ना है अपने को ईगो नहीं रखना है नमाज अल्लाह के हाथ से पढ़ते हैं अपन और दूसरी चीज़ क्या है ज़रा इसकी मार्किंग हो गई ना आज इसके बाद में इसको कोई रोक भी नहीं सकता गवर्नमेंट की तरफ से मार्किंग हो रही हो ऑलरेडी और एक मिनट ऑलरेडी तीन दिन नमाज हो गई ठीक है भाई हुएंगी नमाज अरे एक जमाने से बंद थी अब हुएंगी नमाज को रोक नहीं सकते दो महीने पहले जब यहाँ पे मंदिर पूजा करे थे जब भी वक्फ बोर्ड वाले आके कुछ भी एक्शन नहीं अभी एक्शन रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनका लैंड इधर सुनो एक मिनट अभी सुनो बात रुका देने का मतलब अरे यार सुनो तुम भाई बोले नहीं तेरे अभी वक्फ बोर्ड की तरफ से पूरे पेपर्स लेके आए फाइल लेके आए पूरी गजेट सर्वे हुए सब पूरे पेपर्स जो है ना यहाँ पर एमआरओ को भी बताए ओला सब मिलके ओला को डिसाइड करके आज शाम तक खत्म हो जाता हूँ पब्लिक चाह रही कल जुम्मा है आज शाम तक सर्वे खत्म हो गए कल जुम्मे की नमाज पढ़ना डिसीजन ले लेते हम लोग कल जुम्मे की नमाज यहाँ होना बोल के नमाज रोक नहीं सकते नमाज होंगी इंशाल्लाह जरा ये होने के बाद कल जुम्मा आए बोल के होना चाहिए सब पब्लिक एमएलए साहब भी आगे जिम्मेदार है और दूसरी चीज जो है सर्वे अभी हो जाता थोड़ी देर में
करने के बाद में मार्किंग करने के बाद में बता रहे हैं और कल 20 दिन से 3 दिन से गड़बड़ चल रहा है। आज पूरा सर्वे चल रहा है, वक्त वाले पूरा सर्वे से सर्वे कर रहे हैं, कलेक्टर मैडम को रिपोर्ट भेज दे रहे हैं, पूरा इश्यू कल तक पूरा सर्वे होने के बाद। अगर कल जुम्मा है मैडम तो नमाज पढ़ने के लिए मैडम रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले नमाज पढ़ने से रोक रहे बोल के पुलिस बोल रही है, पब्लिक बोल रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से नमाज के लिए रोक रहे क्या? कोई नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले वो पूरा रिकॉर्ड में गवर्नमेंट है, पूरा सर्वे वक्त वाले और हम पुलिस वाले और लोकल एमएलए मस्जिद और कब्रस्तान रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नहीं आता, वक्त प्लान को आता, फिर रेवेन्यू वाले आगे इश्यू भी कल तक पूरा सेटल हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं रहते, कोई टेंशन नहीं। कल फ्राइडे फ्राइडे जमा पूरा टाइम पे आके पूरा यही टाइम पे जुम्मे के टाइम।